स्टेम पाकिस्तान के पास नौनिया नवाज शरीफ की सूरत में एक एसिड है। गैस नहीं थी, बिजली नहीं थी, बाकी खाने पीने की अशिया नहीं। आप पाकिस्तान में आए, उन्होंने पूरा भरपूर उन्होंने आप मेहनत की। पाकिस्तान जिस तरह इस जंजाल में फंस गया है तो इसको निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ही वाइश। आप देखेंगे ये सारे मिसाइल हल होंगे, जो IMF के चंगल से भी हम निकलेंगे और बाकी खुर्दनोश जो अशिया हैं वो भी। साहब कैसी तैयारियां हैं? जैसा कि आज पंडाल में देख रहा हूं, बड़ा ज़ोर शोर से लोग यहां पे मौजूद हैं नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए। जिस तरह के ज़ोर शोर वलवला आज देखा जा रहा है, अगर यही सूरत आ रही तो अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी पब्लिक जो है इकट्ठी हो जाएगी नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस हवाले से इंशाल्लाह आप देखें पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह लाहौर में जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग इंशाल्लाह वहाँ पे मौजूद होंगे। और ये इस हवाले से आप देखें ना, एक हलके का एक प्रोग्राम है और इस हलके में आप देख लें कि यहाँ पे कितनी रौनक है। और अभी तो लोग आए नहीं, अभी बहुत सारे लोगों ने आना है। अंदर पंडाल भर चुका है, जो कुर्सियाँ लगी थी वो सारी फुल हैं और बाहर लोग खड़े हैं। हालाँकि अभी रैलियाँ नहीं आई हैं, बहुत ज़्यादा रैलियाँ भी पीछे बकाया हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस 21 तारीख को हमारे कायद जब बाहर से वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत बड़ा हजूम होगा। पूरे लाहौर में इंशाल्लाह तार लगने की जगह नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लोग होंगे इंशाल्लाह। याद खान साहब, जिस तरह जोक शोक से आज यहाँ पे लोग, अभी तक प्रॉपर इजलास जो है ना वो शुरू भी नहीं हुआ है यहाँ पे जलसा, और लोगों की जो तादाद है इस हद तक हो चुकी है कि लोग बाहर खड़े हैं, जलसा भर चुका हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये इलामत है कि नवाज शरीफ के दोबारा फिर से वज़ीर आज़म बनने की? देखिए जी, इस टाइम पाकिस्तान के पास नौनिया नवाज शरीफ की सूरत में एक एसिड है। नवाज शरीफ साहब देखें ना, जब भी पाकिस्तान में आए हैं, जो भी हालात जिस तरह के भी हों वो इसको हैंडल करना जानते हैं और उन्होंने पहले भी किया है और इंशाल्लाह अब भी वो इसको संभाल लेंगे। और इसको हर बंदे को, हर शख्स को इस बात का पता है कि जिस तरह पिछले दौर में गैस नहीं थी, बिजली नहीं थी, बाकी खाने पीने की अशिया नहीं थी, तो उसमें फिर मियां साहब आप पाकिस्तान में आए, उन्होंने पूरा भरपूर उन्होंने आप मेहनत की और बाहर के दुनिया भी उन पर एतमाद करती है। चाइना है, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, तो ये सारे लोग उन पर एतमाद करते हैं। और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में आएंगे तो बाहर से बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह डॉलर भी आएंगे, पैसे भी आएंगे, हमारे कर्ज़े भी ख़त्म होंगे। और जो इस पाकिस्तान जिस तरह इस जंजाल में फंस गया है तो इसको निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तान में बिलखसूस जो कारकुनान भी मौजूद हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? और जो उम्मीदें हैं, एक तो महंगाई बहुत बड़ी है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आते ही क्या इस चीज़ को जो है वो अजबर कर पाएंगे, दोबारा से रिकवर कर पाएंगे? इंशाल्लाह आप देखेंगे कि देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने बताया है कि पाकिस्तान के पास मियां नवाज शरीफ की सूरत में एक ऐसा एक्सपीरियंस शख्स मौजूद है जो इसको वही हल कर सकता है। इसके अलावा किसी भी पास भी इसकी कोई भी ऐसी बंदा पाकिस्तान के पास नहीं है जो इस मसलों में इस मसाइल से पाकिस्तान को निकाल सके। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये सारे मसाइल हल होंगे, जो IMF के चंगल से भी हम निकलेंगे और बाकी खुर्दनोश जो अशिया हैं वो भी सस्ती होंगी और प्रॉपरली इंशाल्लाह पाकिस्तान एक डिगर पे चलेगा जिस तरह पहले चल रहा था। तो इंशाल्लाह ये तमाम जो आप मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह।